पालों ने गाया बेटे कि आंख के बदले बातों से लो जा, सम्मान आया है और 21 रुपए का सम्मान रामलखन भाई जी की ओर से आया है। हाँ, 21 रुपए सुखराम मैक्स वालों की ओर से आए हैं। आइए, गीत कह रहा है तो हमको किसी का डर नहीं और जोर जवानी पर नहीं, तो धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, अरे सुना ले कोई सुना ले। ये फिल्म का गीत कह रहा है धीरे धीरे बोल कोई सुना ले। आइए मेरा गीत सुनिएगा। के हनुमान से कह रही और आई रावण की नार, सहज मार पाओगे नहीं इसको पवन कुमार, राज राज में राज का और छुपा राज आधार, ये और राज बताऊंगी तभी मेरी शरत करो स्वीकार। वो रावण की पत्नी हनुमान जी से कह रही है, फिल्म वाले कह रहे हैं कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, तो मेरा गीत भी कह रहा है सुनिएगा। वो क्या कह रही है हनुमान जी से, ध्यान देकर के सुनिएगा। राम मेरे संग में यदि करे विवाह, बहुत अच्छे
बहुत सुंदर। अरे छोटा सा है तो क्या हुआ। अरे राम मेरे संग में यदि करे विवाह फिर तुमको ना करनी कोई परवाह, पूरी होगी हम दोनों की चाह, हमारे और तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, हमारे तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो पूरी जरूर होगी, लेकिन कब होगी। अरे पूरी होगी हम दोनों की चाह, मुश्किल है पर कठिन नहीं है राह, मुश्किल है पर कठिन नहीं है रहा, तब मन मान लो, मन मान लो, मन मान लो, मन मान लो, हनुमान लो, हनुमान लो, ये जान लो, ये जान लो, और पहचान लो, ओ पहचान लो, तो ये दुष्ट मरे छल कर नहीं। वो कह रही है ये दुष्ट मरे छल कर नहीं, कोई देख न ले निश्चर कहीं। तो वो कह रही है कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, और ये मोहित भैया की ओर से पुष्प माला भेंट हुई है, हार्दिक वंदन है। ऐरावण की पत्नी कह रही है कि ये ऐरावण ऐसे नहीं मरेगा, कैसे मरेगा सुनिए, कि ये दुष्ट मरे छल कर नहीं, कोई देख न ले निश्चर नहीं, तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, अरे सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। ऐरावण की पत्नी ने कहा क्या धीरे धीरे बोलो कोई दूसरा ना सुन ले, तो हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने उनसे कहा सुनिए, तो हमको किसी का डर नहीं, अरे हमको किसी का डर नहीं, तू फिक्र मेरी अब कर नहीं। माला जी मेरी फिक्र मत करिए, बिल्कुल, क्योंकि आपने गुरुजनों ने जो सिखाया है वही मैं कह रहा हूं, सुनिएगा। अरे हमको किसी का डर नहीं, तो फिक्र मेरी अब कर नहीं, तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। शरत मेरी जो मानोगे हनुमान, अरे शरत मेरी जो मानोगे हनुमान, फिर न तुम्हें होना होगा। तुम राज लोगे जो जान, तो फिर ना बच पाए ये शैतान, बच पाए ये शैतान, तो फिर बच पाए ये शैतान। और ये बार बार पुरस्कार आ रहा है,
नोटों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर गायक कलाकार राजू जख्मी जी, इनकी ओर से ये बार बार नोटों का पुरस्कार आया है, अनगिनत पुरस्कार आया है, बारंबार भैया को धन्यवाद है, आइए कहना है। और अभी हमारे परमादरणीय गुरु कमल लाडला जी की तरफ से भी पुरस्कार आया, और ये अतर सिंह चाचा जी की ओर से भी सम्मान है। और अभी हमारे प्रहलाद मां साहब जी तिवारी गढ़ी पुलिया वाले, इनकी ओर से भी सम्मान आया, और नेकराम जी की ओर से भी सम्मान आया है। आइए ध्यान से सुनिएगा। शरत मेरी जो मानोगे हनुमान, फिर न तुम्हें होना होगा हैरान। अरे मृत्यु का तुम राज जो लोगे जान, तो फिर बच न सके पिए शैतान। तो मनमीत लो, मनमीत लो, नवनीत लो, नवनीत लो, नंग जीत लो, नंग जीत लो, जंग जीत लो, जंग जीत लो। तो ये जी पाए बच कर नहीं, ये जी पाए बच कर नहीं, हर कोई देख न ले निश्चर कहीं। तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। आइए अंतिम पंक्ति कह रहा हूं, कहना है ये बल्ब रात भर यो ही जलते रहेंगे, ये बल्ब रात भर यो ही जलते रहेंगे, परवाने इन पर मचलते रहेंगे। ये चले या मरे या करे कुछ और, ये जले जो पतंगे आते हैं दीपक के पास या बल्ब के पास, वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। ये चले या मरे या करे कुछ और, मगर नोट पर यो ही, नोट मुझ पर यो ही बरसते रहेंगे। ये है, आइए कहना है, अंतिम पंक्ति सुनिएगा। अरे हनुमान ने शरत करी स्वीकार, और जब जाके आई रावण पाए मां, अब मेरा गीत कह रहा है, राज कौन सा मृत्यु का आसार। आप सभी प्रबुद्ध कलाकार बैठे हैं, जनता जनार्दन है, मेरा कहना है कि उस मृत्यु का क्या राज था जो किसी को नहीं पता था। राज कौन सा मृत्यु का आसार, और नहीं अनाड़ी मदन है धुआंधार। मंजूर था क्या राम को, मंजूर था क्या राम को, क्या राज था उस काम को, क्या राज था उस काम को। तुम मिला कमल के, मिला कमल अवसर नहीं, और कमजोर कहानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले।
आइए एक गीत बज रहा है बड़े जोर शोर से, कौन सा? और हर बच्चे की जुबान पर है जो आज गीत ढोलक सही बजाते लेकिन गुरु कमर में बांध के ना बजाया करो पतली कमरिया। हाय हाय हाय, नहीं बहुत अच्छी ढोलक बजा रहे हैं उधर मायाराम जी की तरफ। भैया मदन मुरारी जी नाम भी बहुत अच्छा है और बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन इस कम उम्र में भी बड़ा हुनर आप दिखा रहे हैं। और क्या, उसके लिए एक बार हमारे मदन मुरारी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। क्या बात है भाई, अच्छा प्रयास है और इसी तरह आप खूब आगे बढ़े। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। ईश्वर अभी भी बहुत से ऐसे गांव ऐसे जगह पड़ी हैं जहां अच्छे अच्छे कलाकार कहीं ना कहीं दबे पड़े हैं, उनको निकलने का अवसर चाहिए, मौका चाहिए। तो ये YouTube एक ऐसा जरिया है कि मायाराम जी मैं चाह रही थी कि मेरा एक कार्यक्रम आपके साथ हो और इस YouTube के जरिए आप भी प्रचारित हों, प्रसारित हों, लोग आपको सुने। तो जिनको जिनको कहीं अच्छा लगेगा वो आपको भी जरूर अवश्य मौका देगा। कमेटी के लोग सुनेंगे, जनता के लोग सुनेंगे तो, और इस गांव का नाम रोशन होगा, आपके फिरोजाबाद का नाम रोशन होगा कि कोई अच्छा कलाकार आपके यहाँ से निकला। और क्या, धुआं अलग निकलेगा, धार अलग निकलेगी, तुम लोग मानोगे नहीं। 21 मुद्राएं भैया प्रहलाद सिंह हिटलर आपकी ओर से हैं, धन्यवाद है आपको भी। और 51 मुद्राएं चार बाग से आए भैया राजेंद्र अनाड़ी जी आपकी तरफ से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरे मंडल की ओर से जो स्वागत सम्मान हो रहा है उसके लिए आभार व्यक्त कर रही हूँ। आइए एक गीत बड़ा अच्छा आया है, बढ़िया, और जवाब का प्रयास देखें मेरी ओर से। चलिए चलिए सुनिए सुनिए। गीत कह रहा है क्या, के बातों के बदले आंखों से लोका, कोई देख ले हाँ देख ले, कोई जान ले हाँ जान ले, तो क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं, तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई बाग से कलियां चुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। गीत में आ रहा है धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले, और आप लोगों ने भी सुना है, हालांकि इन्होंने जो बोला है वो सबने सुन लिया है। और क्या, अब जब सुन लिया है तो फिर धीरे धीरे वाली बातें नहीं, दोनों का काम है। लेकिन जवाब में आना चाहिए कि कोई कहे कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। अब देखिए मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ और देखिए कैसे ला रही हूँ, धीरे धीरे बोल। जिस समय मंथरा ने केकई के कान भर दिए
आपने त्रेता युग से एक प्रसंग आया है और एक सवाल भी रखा है कि अहिरावण की मौत का कारण भी जानना चाहिए। हाँ, उसकी पत्नी ने क्या राज बताया, ये आपकी तरफ से सवाल है। मैं अंतिम अंतरे में बताऊंगी आपको कि आखिर क्या राज था और पति की मौत का कारण क्या था, लेकिन पहले जवाब की भूमिका देखिए कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। राम जी को राजा बनाया जाने वाला है। मंथरा केकई के पास आई और कहने लगी कि है केकई सुनो सुनो, कोई राजा बने भरत या राम, मैं दासी हूँ सेवा है मेरा काम। कोई मतलब नहीं, चाहे राम राजा बने चाहे कोई, लेकिन अगर एक बात मेरी मान लो तो अच्छा रहेगा कि कोई राजा बने भरत या राम, मैं दासी हूँ सेवा है मेरा काम। और कोई पाए राज ताज धन धाम, व्यर्थ में मैं हो जाऊंगी बदनाम। तो ऐसा कर, केकई ने कहा क्या चाहती है मंथरा, तो केकई से मंथरा ने कहा मैं चाहती हूँ कि समय है अभी भी, राम राजा बनने वाले हैं, इससे अच्छा है तुम अपने दो वरदान मांग लो, तुम भरत को राजगद्दी मांग लो, राम को वनवास मांग लो। तो देखिए इसके लिए मंथरा ने कहा क्या, कोई पाए राज ताज धन धाम, व्यर्थ में मैं हो जाऊंगी बदनाम। तो इसके लिए के चाहे मार ले या फटकार ले, फटकार ले के चाहे मार ले या फटकार ले, पर बात मेरी स्वीकार ले। के कई से कहा मंथरा ने के मिलेगा फिर अवसर नहीं, के मिलेगा फिर अवसर नहीं, तो नादानी रानी कर नहीं। तो केकई ने कहा कि है मंथरा, ये जो तू राम को वनवास भेजने की बात कर रही है, अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, ये बात मेरे अलावा कोई सुन ना ले, तो धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। मायाराम जी जवाबी की विधा देखिए, सुनिए, ऐसा नहीं कि दो लाइन में गाकर खत्म कर दिया जाए, धीरे धीरे बोल कोई कहे। और यहाँ केकई ने मंथरा से कहा कि ये बात केवल मेरे तेरे बीच में रहे, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अब दूसरी जगह देखिए, देखिए भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो बंधन टूटे सोए सभी बलवान, पैदा हुए तो जो कारागार में बड़े बड़े ताले लगे थे वो अपने आप टूट गए, तो बंधन टूटे सोए सभी बलवान, और खुले किवाड़े बीथी पथ वीरान। लेकिन वसुदेव जब कन्हैया को सूप में लिटा कर चलने लगे तो देवकी से कहने लगे क्या, एक बात का रखना देवकी ध्यान, एक बात का रखना देव की ध्यान, के दीवारों के होते हैं ये काम। वाह क्या बात है मास्टर साहब, दीवारों के भी होते हैं काम। तुम कह रही हो कि कन्हैया को मैं यहाँ से ले जाऊं, लेकिन वो जो तेरा भाई है, वो जो तेरा भाई कंस है, वो शैतान है, शैतान है, हैवान है, हैवान है, शैतान है, हैवान है, दिल कंस का पाषाण है।
तो पिघलेगा वो पत्थर नहीं। इसलिए आहे भर नहीं। और कन्हैया को यहाँ से वहां ले जाने की बात धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले के सुनना ले कोई सुनना ले। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले सुनना ले कोई सुनना ले। आपने अहिरावण के लिए कहा है कि उसकी पत्नी ने कौन सा राज बताया तो वो भी सुन लीजिए, क्योंकि हमारा आप लोग देख रहे हैं शुरू से सवाल उधर से आ रहे हैं और जवाब मेरी तरफ से जा रहे हैं। अभी तक मैंने ऐसा कोई गीत रखा नहीं जिसमें कोई सवाल हो, क्योंकि आपका अधिकार है, आप सवाल कर सकते हैं। सुनिए सुनिए, उस नारी का नाम क्या था? के नाम था उस नारी का चंद्रसेना। चंद्रसेना नाम है उस नारी का। क्या नाम भैया? क्या बात। और बहुत अच्छे कलाकार भैया हमारे राजू जख्मी जी, आपकी ओर से इटावा के निवासी हैं आप, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है भाई साहब को, धन्यवाद है। आइए भैया इधर बैठिए, ऊपर आकर इधर बैठिए, अच्छा लगेगा, आप भी एक कलाकार हैं। सुनिए सुनिए। नाम था उस नारी का चंद्रसेना, बताई उसने भंवरों की सेना। पति के पास के बताई उसने भंवरों की सेना और कहा अमृत कुंड से अमृत ले आते तो तभी हमारे पति ना मर पाते। अगर अमृत कुंड से अमृत आ जाता हो तो मेरे पति नहीं मरते। तो कपी गए उधर वो सेना जिधर, कपी गए उधर वो सेना जिधर, सेना सकल ली बस में कर। तो कुंड का अमृत है भरा, के कुंड ना अमृत का भरा और पापी पति तब है मरा। अब ये राज जब खुल गया तो मैं ये नहीं कहूंगी धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, अब तो कहूंगी कि सच सच बोलू चाहे सब सुन ले, के सच सच बोलू चाहे सब सुन ले, हाँ सब सुन ले, हाँ सब सुन ले, सच सच बोलू चाहे सब सुन ले, सब सुन ले, सब सुन ले, सच सच बोलू चाहे सब सुन ले, सब सुन ले, सब सुन ले, सुन ले चाहे सब सुन ले, सब सुन ले चाहे सब सुन ले। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। सवाल करिए आप, जब तक हम बता सकेंगे तब तक हम आपके हर सवाल का उत्तर देंगे। और क्या, आपका अधिकार है, आपको सवाल करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए एक गीत मेरी तरफ से सुने। सुनिए। 21 मुद्राएं एक भैया और दे गए हैं, मैं नाम आपका नहीं जान पा।